हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द platform ऑफ डेडिकेटेड लर्नर्स Those डोंट नो मी आई एम शोमोदीप मुखर्जी and I'm currently pursuing Chemical केमिकल from फ्रॉम University. यूनिवर्सिटी तो आज मेरे वीडियो का टॉपिक है कि क्या कंप्यूटर साइंस इज द ऑनली ब्रांच जो अभी हमारे इंडस्ट्री में सबसे अच्छा है तो देखो काउंसलिंग का सीजन है डब्ल्यूबीजे हो चुका है जेई मेन्स हो चुका है तो बहुत जल्दी जोसा काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है उसके बाद आपका डब्ल्यूबीजे का भी काउंसलिंग है तो हम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा ब्रांच कौन सा कॉलेज हमें चूज करना है तो देखो ऑलरेडी ब्रांच वर्सेस कॉलेज के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बना दिए हैं अब मैं बात करने वाला हूं कि क्या कंप्यूटर साइंस इज द ओनली ऑप्शन फॉर अस देखो आप जिससे भी पूछेंगे अभी मार्केट में तो वही आपको बोलेगा कि आप कंप्यूटर साइंस लीजिए क्योंकि इंजीनियरिंग में अभी माना जा रहा है कि कंप्यूटर साइंस ही एकमात्र ऐसा ब्रांच है जहां पर आपका सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी इन रियलिटी में ऐसा है देखिए कुछ कहीं ना कहीं ये एक रियलिटी है कि कंप्यूटर साइंस आपका भी बेस्ट ब्रांच है हमारा इंजीनियरिंग फील्ड में और आने वाले अगले पांच से दस साल ये फील्ड और भी बढ़ेगा कमेगा नहीं लेकिन क्या ये ऑप्शन है आप लोगों के तो देखो मैं थोड़ा सा डीपली घुसने का कोशिश करता हूं तो देखो मे, मेरा इलेवन कंप्यूटर साइंस था लेकिन मैं अभी पढ़ रहा हूं केमिकल इंजीनियरिंग तो कैलकुलेशन तो बताता है कि मुझे तो कंप्यूटर साइंस ही लेना चाहिए था क्योंकि मेरा तो कंप्यूटर साइंस था 11, 12 में लेकिन इलेवन ट्वेल्व में कंप्यूटर साइंस था इसीलिए मैंने कंप्यूटर साइंस के रियलिटी को बहुत ज्यादा महसूस किया है देखो अगर आप कंप्यूटर साइंस के पीछे पैशनेट नहीं हो ना थोड़ा सा थोड़ा सा आपको कोडिंग उतना मजा आता नहीं है लैपटॉप के सामने बैठ के आपको काम करना उतना अच्छा लगता नहीं है आपको फील्ड वर्क थोड़ा सा पसंद है आपको थोड़ा सा आउट साइड वर्क बहुत ज्यादा पसंद है आपको थोड़ा टेक्निकल वर्क पसंद है तो शायद आपके लिए कंप्यूटर साइंस ब्रांच नहीं है कंप्यूटर साइंस में क्या होता है कि आपको वही लैपटॉप के आगे आठ नौ घंटा दिन कर बैठ के आपको कम करना पड़ेगा तो वो बहुत लोगों के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा सुइटेबल नहीं होता है तो क्लास इलेवन ट्वेल्व में, में मेरा कंप्यूटर साइंस था तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से कंप्यूटर साइंस को देखा है बहुत क्लोजली देखा है तो मुझे लगा कि हाँ मुझे कंप्यूटर साइंस बहुत अच्छा लगता है मैं अभी भी कोडिंग करता हूं जब मैं केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ लेकिन मुझे ऐसा लगता है कंप्यूटर कंप्यूटर साइंस साइंस वो मेरा पैशनेट नहीं नहीं है है कि कि मैं ऐसा नहीं कि मैं ऐसा बिल्कुल ही ही पढ़ना है मुझे और कुछ नहीं पढ़ना है वैसा ना नहीं मुझे कहीं ना कहीं फील्ड वर्क टेक्निकल वर्क बहुत पसंद है लेकिन हाँ कंप्यूटर साइंस में भी मुझे, मुझे मजा आता है कोडिंग करने में मुझे मजा आता है तो इसलिए मैं साइड बाय साइड कोडिंग कर रहा हूं अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कोडिंग पता है यार तो देखो इलेवन ट्वेल्व में जिन लोगों के पास कंप्यूटर साइंस था उन लोगों को तो बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि कैसा होता है कंप्यूटर साइंस तो देखो ऐसा नहीं है कि इलेवन ट्वेल्व में आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ा है तो आपको कंप्यूटर साइंस ही पढ़ना पड़े जो लोग आई में जा रहे हैं वो लोग लो, उन लोग वो लोग उतना सोचते नहीं है जो लोग मेटलर्जी पढ़ रहे हैं कोई माइनिंग पढ़ रहा है कोई सिविल पढ़ रहा है, है आई में जाके तो वो लोग भी अकोर्डिंग कर रहे हैं पर वो लोग उतना नहीं सोच रहे कि मेरा ब्रांच का क्योंकि वहां पर आपको टैग मिल रहा है वो एक्सपोजर मिल रहा है वो अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो जादकपुर में आके भी आपको अगर आपको जादबपुर मिल रहा है लोअर ब्रांच मिल रहा है फिर कोर ब्रांच मिल रहा है तो मेरा सजेशन ये है कि आप अगर आपको कंप्यूटर साइंस में बहुत ज्यादा पैशन भी है देन यू कैन लीव कंप्यूटर साइंस ऑफ जेजी के जीईसी और अलग अलग जो हमारे प्राइवेट कॉलेजेस है वहां का कंप्यूटर साइंस आप छोड़ सकते हैं जादबपुर में आके कोर ब्रांच आप ले सकते हैं इसका पीछे का एक ही रीजन है कि आपको बहुत ज्यादा एक्सपोजर जादवपुर यूनिवर्सिटी देता है बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज देता है जितने कंपनी जादवपुर में आते हैं वो कंपनी बाकी जो कॉलेजेस है वहां के टॉप टॉप ब्रांचेस में भी नहीं आते हैं तो ये एक फैक्ट है तो और आपको अभी नहीं पता शायद आपको अभी कोडिंग अच्छा लग रहा हो लेकिन आप अगले दो साल में आपको कोडिंग अच्छा ना लगे आपको कहीं फाइनेंस में मजा आए आपको कहीं कंसल्टेंसी में मजा आए और तब अगर उन चीजों पे आपका फोकस गया तब आपको पता चलेगा कि कॉलेज आपको क्या प्रोवाइड करता है जादवपुर यूनिवर्सिटी में कंसल्टेंसी के जितने कंपनी आते हैं या फिर फाइनेंस के जितने कंपनी आते हैं वो वेस्ट बंगाल में आई आई आर एनआईटी को छोड़कर और किसी कॉलेज में नहीं आता तो ये आपको बहुत ज्यादा समझना बहुत ज्यादा जरूरी है तो इन्फ्लुएंस नहीं होना सब लोग आपको यही बताएंगे कि कंप्यूटर साइंस इज द ओनली ऑप्शन लेकिन दैट इज ओनली फॉर प्राइवेट कॉलेजेस या फिर आपका अल, अलग जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गया वहां पे आपको अगर किसी और कॉलेज में आप जा रहे हैं तो शायद आपको चूज करना चाहिए टॉप ब्रांचेस अगर आप जेजीसी में जा रहे हैं केजीसी में जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल तक चूज कीजिए कंप्यूटर साइंस आईटी चूज कीजिए लेकिन जादबपुर में ऐसा नहीं है कि आपको कंप्यूटर साइंस आई नहीं मिला तो आपको नहीं जाना चाहिए अगर आपका पैशन कंप्यूटर साइंस में भी है देन यू स्टिल कैन चूज ज्यादापुर यूनिवर्सिटी कोर ब्रांचेस और लोअर ब्रांचेस क्योंकि वहां पे बैठ के भी आप बहुत ज्यादा कोडिंग कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि किसी कॉलेज में सीएससी ले लिया मतलब वो कॉलेज तो मुझे सीएससी में एकदम मास्टर बना देगा एट द एंड ऑफ द डे आपको बाहर से ही सीखना होगा आप किसी भी कॉलेज में जाइए आपको पढ़ना यूट्यूब से पड़ेगा या फिर किसी कोर्स के माध्यम से पड़ेगा तो कॉलेज आपको उतना हेल्प नहीं कर रहा होगा कॉलेज आपको हेल्प कर रहा होगा कंपनी लाके देगा आपको आपको वो एनवाइट देगा तो ये आपको थोड़ा सा वाइजली चूज करना है सो so, ये मैंने थोड़ा सा बताया कि कंप्यूटर साइंस ऐसा नहीं है कि

आप करिकुलम के साथ साथ ही पढ़ सकते तो ये आपको एक बेनिफिशियल होगा लेकिन वही मैं कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी लाके दे सकता है सो so, आज इसी टॉपिक के ऊपर मेरा थोड़ा सा मैंने कोशिश किया कि आप लोगों को थोड़ा सा इनसाइट दे पाऊं सो या तो आप लोग अभी काउंसलिंग चल रहा है तो उसके पहले आप लोग थोड़ा सा कोडिंग कर लीजिए थोड़ा सा देख लीजिए कि आपका टेम्परमेंट बैठ रहा है या नहीं तो ठीक है सो ऑल द वेरी बेस्ट थैंक यू वेरी मच